अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए फ्लावर पॉट डिज़ाइंस का लास्ट बट नॉट लीस्ट पार्ट लाई हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले वाले जो पॉट थे वो कितने प्यारे से डिज़ाइन करे थे, बट इन सब में ना एक चीज़ कॉमन है, इनका डार्क कलर। तो मैंने सोचा क्यों ना अब जो बना रही हूँ मैं वो थोड़ा सा लाइट कलर वाला बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट करा सबसे पहले अपने पॉट को वाइट पेंट करने से। उसके बाद ना मैंने पेंट करने के लिए येलो कलर लिया, बिकॉज ऑब्वियसली येलो सबसे प्यारा लगता है हर चीज़ में। और इससे मैं ना लीव्स बना रही हूँ, ऐसे वाली। ये लीव्स दिखने में थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, बट ये बनाना बहुत आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करना आपको आ जाएगा। अगर आपको इसके और पार्ट्स देखना है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ मुश्किल लगे, आप कुछ पूछना हो, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। ये बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। ये लीव बनाने के बाद ना हमने स्टेम ज़रूर बनानी है, उससे प्यारा लगता है कि लाइक लीव की स्टेम भी है। अच्छा, मैं ना एक बात बताती हूँ आप लोगों को, मैंने ना इंस्टाग्राम पे स्क्रंचीज सेल करना शुरू किए, वो बहुत ही अच्छे प्राइस में ना आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्क्रंचीज मिलती हैं। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, और मेरे हाइलाइट्स में ना रिव्यू वगैरह सब चेक कर सकते हैं आप। इस स्पॉट पे ना हमने सेम ना बहुत सारी लीव्स बना लेनी है येलो कलर की, कुछ ऐसे ये देखेंगी। और इसके बाद जो ना हमने ऊपर की तरफ ना येलो पेंट कर देना है, ताकि बहुत ही नीट सा लुक दे। और इसके बाद ही हमारा प्यारा सा फ्लावर पॉट तैयार है। बाय बाय।